भाजपा नेता मुन्ना यादव के बेटे सहित तीन लोगों पर जानलेवा हमला मामले में एक बड़ी अपडेट सामने आई है। बताया जा रहा है कि गर्लफ्रेंड को लगे धक्के से हुए विवाद पर आरोपी ने ये जानलेवा हमला किया था। वीआर मॉल में एजेंट जैक पब है। यहाँ रविवार को क्रिसमस पार्टी थी। पार्टी में जमकर शराब और दूसरे नशे चले। तड़के 5 बजे तक जश्न होने से बड़ी संख्या में युवक युवतियां आई थी, जिनमें अपराधियों की भी काफी संख्या थी। कुख्यात अपराधी प्रदीप उड़के अपनी गर्लफ्रेंड के साथ आया था। उसका एक अपराधी मित्र भी उसकी गर्लफ्रेंड के साथ आया था। अर्जुन यादव आशीष हजारे के साथ आया था। आनंद शाह अकेला आया था। सूत्रों के अनुसार तड़के 3 बजे अर्जुन साथी के साथ पब के कॉरिडोर में खड़ा था। वहां प्रदीप और उसका मित्र गर्लफ्रेंड के साथ मौजूद था। गर्लफ्रेंड को देखकर छींटाकशी करने और धक्का से प्रदीप और उसके मित्र का अर्जुन से विवाद हुआ। सभी नशे में धुत होने से एक दूसरे से भिड़ गए। उनमें जमकर मारपीट होने लगी। इससे पब में भगदड़ मच गई। बाउंसर ने सभी को मॉल से बाहर किया। सड़क पर पुनर मारपीट विवाद होते देखकर बाउंसर ने उन्हें वहां से जाने की चेतावनी दी। दोनों गुट अलग अलग कार से चले गए। अर्जुन आशीष और आनंद के साथ अजनी की दिशा में, जबकि प्रदीप और उसका मित्र दूसरी दिशा में रवाना हुए। कुछ दूर से प्रदीप यूटर्न लेकर लौट आया, तभी उसके 6 से 7 साथी भी आ गए। उन्होंने पीछा करके कामले चौक पर अर्जुन की कार को रोका। प्रदीप व साथियों ने अर्जुन, आनंद और आशीष को कार से बाहर निकाल कर हमला किया। धारदार हथियार, पत्थर और सीमेंट के गट्टे से हमला करके तीनों को गंभीर जख्मी करके भाग गए। दिनांक 25/12/2023 रोजी पुलिस स्टेशन हाथीमध्ये एक रात्री 5:30 सुमारामध्ये मध्ये किरकोळ कारणावरून वाद होऊन मारामारी झालेली होती। या प्रकरणामध्ये पोलीस स्टेशनला गुन्हा दाखल करण्यात आलेला होता। सदर गुन्ह्यामधील आरोपी अनोळखी आरोपी होते। त्या आरोपीच्या घटनास्थळावर आणि विटनेस यांच्या तपासावरून त्यांचे नाव निष्पन्न करून या गुन्ह्यामध्ये एकूण 6 आरोपी यांना अटक करण्यात आलेली आहे। आरोपी मुख्य आरोपी प्रदीप पुरंदास विखे, राहणार कुंभारटोली, सुमित दिलीप शाहू राहणार कुंभारटोली, कुणाल नरेश विखे राहणार कुंभारटोली धनतुली, विवेक लेखराज बनोटे राहणार कुंभारटोली धनतुली, त्याचप्रमाणे त्यांचा एक मित्र दीपक गोविंद सिरसाम राहणार कोराडी नागपूर आणि एक जुनैल आरोपी, असे एकूण 6 आरोपी त्यांना ताब्यात देण्यात आलेले आहे। पुढील तपास आज रोजी या आरोपींना माननीय न्यायालयात हजर करून पुढील तपास सुरू आहे। या गुन्ह्यामध्ये आणखी इतर आरोपी असण्याची शक्यता आहे। त्या पुढील तपासामध्ये आरोपी वाढण्याची शक्यता नाकारता येत नाही। त्याचप्रमाणे जे जखमी आहेत यांच्यावर मेडिकल हॉस्पिटल आणि न्यूरॉन हॉस्पिटल नागपूर या ठिकाणी उपचार सुरू आहे। त्यापैकी एका जखमीची प्रकृती अद्याप चिंताजनक आहे। त्यांच्या उपचारावर सुद्धा लक्ष ठेवणार आहे। सध्याचा गुन्हा हा तात्कालिक कारणावरून झालेला आहे। यामध्ये एका रेस्टॉरंटमधून हे दोन्ही ग्रुप बाहेर पडत असताना त्यांच्यामध्ये धक्का लागल्याच्या कारणावरून किरकोळ वादविवाद झाला आणि ते हॉटेलच्या बाहेर आल्यानंतर त्या एकमेकाच्या वाहनात बसून ज्यावेळेस घरी निघण्याकरता निघाले, आरोपींनी त्यांच्या वाहनाचा पाठलाग करून त्यांना थोड्या अंतरावर त्यांचं वाहन थांबून त्या ठिकाणी त्यांना मारहाण केली। कैमरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ अभिषेक पानसे की रिपोर्ट।